विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस। एंड आज 25 तारीख है एंड आज क्रिसमस है एंड आज हम सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ने कुछ प्लान करके छोटी सी पार्टी डिसाइड करी थी। पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, मैं थोड़ा लेट हो चुकी हूँ, तो अब मैं दिखाती हूँ कौन कौन आ रखा है। एंड आज मैंने रेड भी पहन रखा है, सिर्फ मैंने और मेरे भैया ने, एक और भैया उन्होंने रेड पहन रखा है, बाकी सब पूरा ये ड्रेसिंग सेंस बहुत गलत हो गया और किसी ने रेड नहीं पहना है। और मैं मिलाती हूँ सबसे, और भाभी का वीडियो कॉल आ रखा है, भैया से भी मिलाती हूँ, भाभी से भी मिलाती हूँ, लेट्स गो। सो यहाँ पे हमारी पार्टी चालू हो चुकी है, ये रे भैया आ रखे हैं। भैया अभी व्यस्त है खाना खाने में, क्या खा रहे हो? आलू। आलू खा रहे हो? ये आलू। भैया, ये भैया ने मेरा साथ दिया, भैया ने रेड पहना है आज। और ये रहे ताऊ जी हमारे, एंड दीदी यहाँ पे अभी बर्गर की तैयारी कर रही हैं। ओ अभी दिख नहीं ना, हमने जैकेट पहनी हुई थी। अब भैया ने भी मेरा साथ, भैया ने भी मेरा साथ देने के लिए रेड कपड़े पहन रखे हैं। और यहाँ पे भी भैया और खाना खा रहे हैं। ओके बिजी हो आप, कोई बात नहीं, आप खाना आराम से खाओ। ओके, और ये रहे दोनों भाई, मेरे भाई ने भी आज रेड पहना है। एंड और यहाँ पे सब खाना खाने में व्यस्त है। और ये दोनों भाई जो है यहाँ पे ऊनो खेल रहे हैं, इन्हें पता नहीं कौन सा मजा आ रहा है ऊनो में, मेरे को आज तक समझ नहीं आया ऊनो खेलते कैसे हैं। खेलते नहीं हो ना, इसलिए नहीं आया भाई, खेलते नहीं है, मेरे को खेलना सिखाया था, मैं भूल गई। हाँ, खेलना सिखाया था, इनकी गलती है, फिर कह रही हूँ हमारी गलती है। और अच्छा अच्छा, तुमने खा लिया बर्गर, तुमने बर्गर खा लिया, बर्गर कैसा हो रहा था? वो अगर आप लोगों ने बर्गर किंग का चिकन बर्गर टेस्ट करा होगा तो सेम वैसे ही हो रहा था, पर वो वेज था। और आपको कैसे देखना, आपको कैसा लगा ये बताओ, बताओ। ठीक लगा, बहुत मस्त लगा, बहुत अच्छा था। तो आज हमारी रेसिपी में, मेन्यू में बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मिल्क शेक और केक था, मिल्क शेक और केक बचा है, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज दोनों ने। अभी अभी आपको पता चलेगा मैं आपको कैसे सरवाइव करूंगा। हाँ, और आज लगी है शर्त कि हम पांच भाई बहन हैं, उन पांचों में से अगर अगर मैं सो गया तो मैं जो बाकी चार हैं उनको मैं 50-50 रुपए दूंगा, जो पहले सो गया वो सबको 50-50 रुपए देगा। और हम पांच जने हैं, ये दो मैं और दो मेरी बहन है, और 200 जो हारेगा वो, हाँ 200 रुपए देगा, मतलब टोटल 200। हाँ, तो लेट्स सी कौन जल्दी सोता है। सो जाओगे, हार जाओगे, जीत जाओगे? ऐसी नहीं बना मैं, पक्का खिलाड़ी। और भैया यहाँ पे भाभी से बात करते हुए, भैया भाभी की शक्ल दिखाओ, भैया भाभी को देखिए, ब्लॉग में आने वाली हो तुम, अपने आप को थोड़ा मेकअप कर दो। 2 सेकंड में नेचुरल ब्यूटी मैटर कर दिया, नो मेकअप, कैमरे में आ रही, कैमरे में। हेलो भाभी, और भाभी क्या कर रहे हो? यहाँ पे कुछ फ्रेंच फ्राइज और पोटैटो बाइट्स जो है वो फ्राई हो रहे हैं। एंड मेरी इस बहन ने अपनी शक्ल दिखाने के लिए अभी मना किया है, जब ये रेडी होके आ जाएगी, अब पता नहीं कितने और रेडी होगी, तो ये जब आ जाएगी तब इससे मिलाऊंगी मैं। वैसे इससे आप मिल रखे होगे कहीं बार, कोई बात नहीं, फिर से मिला दूंगी। हाँ क्या, अब व्हाट्सएप पे कहेंगे सॉरी सॉरी, मेरा सब मेरा पीछे पड़ गया है। अरे मुझे लगा आप कौन है ऑनलाइन, मुझे वो उसको सब पता है, कब क्या करना है, ये एक दिन शादी में भी फोटो वीडियो ऐसी बनाएगी, आप ही की बना रही हूँ मैं वीडियो, सॉरी। ये भाई कैसा हो रहा भैया बर्गर? अच्छा ठीक है ठीक है, मिलिए मिलिए अनु भैया, आप भी बोलो कैसा है। सो हमारी दीदी यहाँ पे मिल्क शेक जो लास्ट आई गेस रेसिपी है ना, मतलब लास्ट मेन्यू का डिश है, उसकी तैयारी कर रही है। एंड हमने बहुत एक छोटा सा नुस्खा ट्राई करा है, लेट्स सी कैसे होती है। दीदी ने आज बहुत मेहनत करी है ना दी, मैं ही जानती हूँ। आज दीदी ने बर्गर भी बनाए हैं, फ्रेंच फ्राइज भी बनाए हैं। Thank you.
अपने बर्गर तो खा ले, पासवर्ड नहीं बताऊंगा। ताऊजी 31st की तैयारी कर रहे हैं घर पे, एक काम करेंगे ना, जरूरत रहेगी तब, तब वो गाइड करेगी ना, घर भी बनाएंगे खाना बाहर का जो मर्जी। अरे तब ना उस दिन भैया भैया उस दिन 31st को रात को आना और सुबह जाना आराम से। एक काम कर सुन मेरी बात, तो रात को ही है। हाँ तो वही ना, रात को सुन मेरी बात, सुबह ऑफिस जाते कितने बजे जाते हैं? 7 बजे 8 बजे तभी तो बोल रहा है चाबी यहाँ है तो समझा नहीं, ये भी कम नहीं है। वो मेरे को माँ नहीं बता देगी, माना कि तू स्कूटी में नहीं बैठती पर जानकार तो सब रखती है ना, गारंटी नहीं है। भैया ने ना स्प्रंकल को अंकल कर दिया और बाप भैया को बदल लेंगे। हो गई मेरी मांडली, कितने दूध पीछे पीछे कितनी बार दूध बनाया है इस पतीले, इंडिया का पतीला। तो मैंने बोला क्या ऊपर से स्प्रंकल नहीं डाले है काहे पहले के लिए, काहे मैं बात करने नहीं डाले, जान देना थोड़ा डाल दे मुझे, देखो तो झुक गया। अच्छा अरे बहुत है, डाल दे डाल दे बेटा, डाल फोटो खींच में ब्लॉग बना रही हूँ। भैया कह रहे हो कि तारीफ बाद बहुत पहले पकड़ दी, थोड़ी बाद में करता तो पेट भर गया, कुछ और दे रहा है क्या? सॉस देख रहा हूँ नहीं, ये मैंने बनाया तो मुझे आइडिया नहीं है, यही बनाती हूँ इसको। बेटा बताओ रेसिपी सही बनी है? आलू टिक्की प्याज मटर गाजर टमाटर नहीं डाला भैया, बर्गर बनाया मम्मी ने, भैया उल्टा बर्गर बनाया। आपको पता बर्गर में क्या क्या डालते हैं? प्याज मटर 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 पत्ता गोभी, पत्ता गोभी फूल गोभी तो ये हमारा क्रिसमस का केक आ चुका है। अबे हाँ, आँखों में अब अच्छा लग रहा है। ये क्या बात आ रही? लाइट चेंज हुई थी। तुम लोग काटो, मैं तो बैठूंगा, मैं क्यों बैठा रहूँगा? नहीं मैं थोड़ा काटूंगा। हाँ दोनों काटो, मैरी क्रिसमस। रुक जाओ रुक जाओ, हनी दी आओ। हाँ ये प्लानिंग हो रही है यहाँ पे। ज़्यादा केक बन गया। ठीक है ठीक, बैठ जाओ। बस भैया हमें सब सुनाई दे रहा है। 1 2 3 गो। काटो पहले बर्थडे होता है जिनका, अब बर्थडे वाले पहले बड़े से चालू करो, ताऊ जी को खिलाओ पहले। नहीं ये दोनों खा लेंगे बच्चे। नहीं पहले ताऊ जी, ताऊ जी आ जाओ। ठीक है ताऊ जी। अरे ताऊ वो अरे खा लो, आपको प्यार दे रहा था, आपको
अच्छा नहीं लग रहा क्या? थैंक यू भाई, थैंक यू ताई। काट काट के कटवा दिया अभी, बहुत थैंक यू यार। वीडियो में आया होगा शायद। और कौन कौन बच गया? ब्राउन शुगर, कौन सा शुगर, कैसा शुगर, ये वो इतनी महंगी, पता क्या क्या ले आया, मोल ले आया, उसके अलग अलग उसका वो ले आया, बटर पेपर ले आया। मामा मेरे को मत देना, हाँ बहुत मीठा। अब बस हो गया, फिट हो गया मेरा, अभी खाया था छोटा पीस। नहीं, अब सब ले आया, बनाया ढप, कुछ नहीं बना, सब बटर पेपर पे चिपक गया। फिर एक और बार बनाया, फिर थोड़ा बेटर बन गया। तीसरी बारी में बन गया बेटर, चौथी बारी में मैंने कहा नीरू भाई केक कितनी ऐसा मार्केट से लिया, मैं ना बना रही। कह रही जितने आकड़म झगड़ा मैं इसमें करोगे तुम जाओगे तुरंत ले आओगे। सही बात है। मैंने कहा बोल तो सही रही, मैंने कहा 200-300 रुपए का केक आ जाएगा। मामा जी नहीं, मामा जी नहीं, अरे खा लेना, खा लिया मैंने, खा लिया अब, अरे मैंने खा लिया, मैंने ज्यादा मीठा नहीं खाता, मीठा में बहुत रेयर हो गया मेरा। अरे काम करो ये चॉकलेट दिन दिन जोर से, अरे जोर से वापस आ जाओ, पूल से ही चलते ही, वो पूल से ही चलते हैं। अच्छा बात है, एक नहाए क्या, चलो भैया। सो भैया जा चुके हैं एंड अब हमारी तीन बहनों के खाने की बारी है, तो अब बर्गर खाते हैं जल्दी से, मुझे तो थोड़ी सी भूख लग रही है। एंड शर्त भी है आज, लेट्स सी वो शर्त कौन जीतता है और कौन हारता है। हारने पे, हारने के बाद वो गेम खत्म। मानसी, मेरे को तो लगता है मानसी हारेगी, बिकॉज वो थक रखी है बहुत ज्यादा आज, उसने हमसे ज्यादा काम किया है। चलो सोने, मैं भाई 50 रुपए हार गया, चलो क्या हो गया, 50 रुपए एक है। सो ये हमें दीदी ने जो लास्ट हमारा बचा था मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी वाला वो बनाया है, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, और भैया के हिसाब से ये टेस्टी भी है। लेट्स सी मैं पी के बताती हूँ कैसा है ये। सो ये रियली काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, और इसमें आइसक्रीम भी डली हुई है तो स्ट्रॉबेरी वाली, और सीरियसली बहुत तगड़ी हो रही है। और मेरी बहन तो कैमरा शाय कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है, छुप रखी है ये कैमरे के पीछे, आ नहीं रही। ओके ताऊ जी सोने जा चुके हैं, तो इस वजह से मुझे धीरे बोलना है, और अभी हम गेम्स भी खेलेंगे, और रात के 12 बज चुके हैं, 4 मिनट बचे हैं बस 12 बनने में, क्रिसमस ख़त्म होने वाला है और हमारी पार्टी अभी भी चल रही है, तो लेट्स सी। और अब जाते हैं, गेम वेम खेलेंगे, और रात को सोना नहीं है, आई नो। अब सारा सामान समेटना है, उसके बाद सोने चलेंगे, मतलब खेलने चलेंगे, सोने नहीं खेलने चलेंगे। सो हमारी दीदी हमारी सेंटा बन के आ चुकी है। पैर छूने भाई सबने, थैंक यू। अनबॉक्सिंग कल करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग सुबह होगी, तब करेंगे जब कोई बंदा सोने जा रहा होगा। अच्छा ये भी उसकी एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए। सो हम बेड में अपनी अपनी जगह लेके बैठ चुके हैं, और मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ही मोटी स्वेटर है, इतनी ठंड तो है भी नहीं, तो कोई बात नहीं, गर्मी सहन कर लेंगे पर ठंड सहन नहीं कर पाएंगे। और अब हम म्यूजिकल क्वेश्चन चालू करते हैं, इस फोन में मेरे फोन में लगेंगे गाने, एंड सारे भाई बहन जो है यहीं पे बैठे हुए हैं, हमारे सेंटा क्लॉज ने गिफ्ट भी दे दिए, एंड अब गेम्स खेलते हैं, और हमारा चैलेंज भी चल रहा है लेट नहीं सोने का, एंड अब चालू करते हैं गेम जल्दी से, तो चले बाल तो सही बना लेते हैं यार। अरे राम, रात को सोते हुए कौन तैयार होता है, मैं भी तैयार नहीं हो रखी हूँ। बाल तो सही लग रहे हैं, पर मेरे बाल देख रहे थे क्या? मैंने अपने बाल कटा लिए, छोटे छोटे करा लिए मैंने अपने बाल। झूठी, ये पीछे से गुद बना रखी है, गुद नहीं कहते इसे, इसे जूड़ा कहते हैं। गुड़ी 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 जी, हम 5 जने और इन 5 को खेलना है, मतलब कोई एक जो है वो गाने नहीं बजा सकता, तो हमने अपना दिमाग लगा के, हमने नहीं मतलब मैंने अपना दिमाग लगाया, नहीं सबने लगाया है, झूठ कहती है बहुत, मैंने अपना दिमाग लगाया है, तो इसमें टाइमर रखेंगे हम,
30 सेकंड्स का, 30 सेकंड्स के बाद जिसपे भी वो क्वेश्चन आया वो कुछ करेगा या कुछ बोलेगा या जो भी करेगा। लेट्स सी। यहाँ पे ये दीदी मेरा भाई, वो एक नीचे है और एक मैं हूँ, हम 5 जने हैं। 30 सेकंड का लग चुका है टाइमर एंड यही तो है, 30 सेकंड तक ये बजेगा ना अपने आप। इसे नीचे कर देना मुंह इसका। हो भाई भाई, इन ठंड में तो खुजली अभी बहुत होती है। दीदी का फोन बज चुका है एंड मेरे पे रुका है वो यार। पहला डांस करोगे? चलो डांस डांस से मैं रोता हूं। मैं बता दो कौन से सॉन्ग पे पूछना है। नहीं 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 नहीं, डेड ट्रुथ पूछना है। ट्रुथ ही है, डेड ट्रुथ क्या पूछे? कुछ तेरे को पूछना हो जाता है तो ना पूछ पा रहा हूं मैं, बता दे हम पूछ लेंगे। नहीं कैसा बात है, तुम भी पूछ सकते हो, मेरा ही नहीं है ये तो मुझे जानती है। आपने अपना YouTube चैनल कब खोला? पक्का? नहीं नहीं, तो मैं पूरी अच्छी डेट बताऊंगी। नहीं प्लीज, नहीं दीदी सोच पूछेंगी भाई मुझसे, कुछ भी पूछ लो मैं बस सब क्वेश्चन का आंसर होगा जरूर। तू कौन से सब्जेक्ट में फेल हुई आज तक, और अगर फेल नहीं हुई तो सबसे कम मार्क्स किस में आए? और फेल तो नहीं हुई, मेरे टेंथ में एसएसटी में बहुत कम नंबर आए थे, 40 में से कम ही आए थे, मैं फेल ही थी उसमें, पर वो सब्जेक्ट ना फिर से हो गए थे, मेरी किस्मत अच्छी थी। मतलब तो मतलब कितना मार्क्स आए थे? 40 से कम आए थे? इतना नहीं याद, बस 40 मार्क्स, सॉरी हाँ 80 मार्क्स टोटल, ओवरऑल 100 में से। नहीं नहीं नहीं, प्री बोर्ड हुए थे स्कूल में, 80 मार्क्स का पेपर था और 80 में से इतने मार्क्स आए थे कि मैं फेल थी एसएसटी में। मेरा 26 अराउंड 26 फेल होता है। हाँ तो उससे भी कम थे, तो इस वजह से उन पेपर्स जो जो बच्चे एसएसटी साइंस और मैथ में फेल थे उनके पेपर फिर से हुए थे, तो मैं एसएसटी में फेल थी तो फिर से पेपर हो गया तो बच गई थी। तो मतलब हुई है तो हाँ, तो प्री बोर्ड में हुई थी बस। सो हमारे वीडियो का कुछ फायदा हुआ है, पता चला है कि मानसी पे आया था क्वेश्चन, हमने वीडियो पूरी रिवाइंड करके देखी तो मानसी पे आया था, तो मानसी ने ट्रुथ चूज करा है भाई। मैं तो क्या ही जी पूछू इससे, ये इसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, बताओ दो यहाँ क्या चल रहा है। तूने आज तक कितने बंक मारे और कब कब मारे हैं? बंक मारे अच्छे वाले, लेटेस्ट हमें विश्वास नहीं हो रहा। ट्यूशन वगैरह कुछ बंक नहीं करा, तो पता चलता है फिर से रिवाइंड करके कि मेरे पे आया इस बार। अरे प्राची की डेयर की चांस है। हाँ तो बताओ क्या करना है डेयर में? ये अलग ही हो गया, ये कुछ ज्यादा काम करो, बाथरूम जाओ, चलो एक काम करो, घूम फिर के किसी के पास भेज दो,
उस रूम के बाहर तक जा ऐसे 5 बजे आवाज मार कर आ जा या पिटवाओगे क्या? चलो मैं बनाता हूँ। देर की बारी है। तो मेरा डेयर कंप्लीट हो चुका है और मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई। थैंक यू, वेलकम। चलो रख दो, मैं चालू करूंगी। मैं ये खेल रही दीपे, हनी दीपे, क्या करोगे बताओ? डेयर डेयर लिया ना लूंगा। एप्लीकेबल सा डेयर देना भाई, रेलिवेंट सा देना। ये नहीं कि बोलो बालकनी में जाके या हुआ हुआ ढंग का डायलॉग तो मार सकते हो बालकनी में जाके। डायलॉग ऑलरेडी उनका चल रहा है। अच्छा चलो उस कमरे में जाके ना ताऊ जी उठे हुए हैं, वहाँ जाके आपको बोलना था, हंसना नहीं है बिल्कुल भी, भाई एकदम सीरियस होके बोलना है, ठाकुर कितने आदमी थे? अरे 3 बार बोलना है, जब तक ताऊ जी बोले ना कितने आदमी है, मतलब 3 बार बोलना ही है मिनिमम। ठीक है आ जाओ, ये मैं बनाऊंगी, ये व्लॉग मैं बनाऊंगी, हंसना नहीं है बस। हाँ हाँ, और लाइट जला के बोलना, ठीक है? अंदर कमरे में जाके ये रैकेट लेके क्यों जा रही है? ठाकुर कितने आदमी थे? ठाकुर कितने आदमी थे? ठाकुर कितने आदमी थे? 2 थे भाई। ओ यार, ये तो मेरे को डर दिया था वहां जाके बोल कर। नहीं तो अब बालकनी में से कुछ हटके देंगे, बालकनी का बाहर करनी मस्त था, बट रियल यार मस्त था, दे हंसी नहीं भूल जाएगा पास भी करना। किसका है अब आया तेरे पे? क्या दे रहा है भैया? दे लेगा? हाँ बढ़िया है। कर बाहर वाले रूम में जा, ठीक है? और मुख का तो भाई साहब डर लगता है भाई, अकेले वाला शेप करके दिखा, ये करता नहीं है ना डांस। हाँ चलो भाई, चलो टू मेक हिम डांस, चलो 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 लेट्स गो। चलो चलो अरे पॉज करो सो टाइमर चालू कर दिया था पर मैं पानी पी रही थी सो बोतल गिर गई। मैं बस दीदी फेंकती, मैं ऐसे कर देती।
ये कोई अब उसके मुंह अब इसके मुंह पे लगती मेरी मेरी गलती नहीं चेक करो चेक करते हैं नहीं बानोड़ी थी दीदी ने ढेर ये दिया था कि ताऊजी वॉशरूम में गए थे तो जैक और नॉक नॉक करके आ रहा था मैं नहीं नो ये ढेर नहीं था ताऊजी नहीं थे हाँ तो मैं भाग भाग के यहाँ से गई जैसे हम तीनों दोनों वहां पर भागते भागते पहुंचे इतने में ताऊजी बाहर निकल गए हम उधर से भागते भागते आ गए वैसे एक बच चुका है लास्ट डेयर दो फिर ये गेम खत्म फिर दूसरा गेम ए, इसका नहीं हुआ है एक डेयर अब उसकी किस्मत उस पे आया नहीं भाई पता नहीं मेरे को अरे नहीं एक एक पहले मेरे को तो फिर उसको दो सबका इक्वल हो जाएगा अभी एक बजे अभी तो कोई नहीं एक बजे अब 1 बजे के बाद हमारा दूसरा प्लान था बट अभी 1 बजे तक हमारा कोई क्या कहते हैं डेयर्स खत्म नहीं हुए भाई तू दे भाई तू खेल वेल नहीं रही भाई कहाँ खोई पड़ी है तू थक वक गई क्या हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है भाई मेरी उंगली दर्द हो रही है पता नहीं क्यों मत रो मानसी मत रो यार मैंने इतना गंदा डेयर भी नहीं दिया था दीदी आप बता दो डेयर आप ही बता दो डेयर कोलगेट खा तू बोली तेरे पास अभी रखे कोलगेट खा ले सो इसे आयुष जाइए जरा आयुष जाएगा आई एम श्योर ये नहीं कर पाएगा जय काट रे इधर चालू बंद कर गिर गया मैंने बोला था ना आई श्योर गिरेगा ये चलो वायु की चाबी फ्रिज में रखकर आ जाए हाँ मैं करूँ अब तेरे को तो प्राची दे दी हाँ दी दो डेर आयुष को दे चलो दूसरा गेम नींबू का रस तो पीने को बोल भाई आयुष को तो लगता था कि आयुष के ऊपर डेर नहीं आया तो भाई अब क्या कर सकते हैं कोई बात नहीं दूसरा गेम खेलते हैं मेरा लग अच्छा है दूसरा गेम कौन सा खेले गाइस इमोजी साथियों हमारे 50 रुपए बैंक में आ ये सोने वाली है ये मैं तो ऐसे लल्ला लल्ला लोरी ऐसे तो करते ही नहीं सोए लल्ला लल्ला रोरी नहीं करते कभी भी क्या करते हैं आजा बच्चा आजा सब दीदी और ने जो नया गेम है वो है इमोजी चैलेंज और अभी टाइम हो चुका है कितना सवा एक टाइम नहीं आ रहा दिख नहीं रहा बहुत ज्यादा फ्लैश लाइट है हाँ आएगा गेस द फूड करें या गेस द कंट्री फूड करता है फूड भाई वीडियो का बड़ा फायदा हो रहा है रिवाइंड कर करके हम यही देख रहे हैं इस बार आप यहाँ पे मत रखो भाई गेट बंद कर सकते हो तो गेट बंद कर दो भाई बाहर #3 points भाई हाथ पीछे #3 points हाथ पीछे मेरा है मैं तो ऐसी रुक गई मेरा है फ्लैशबैक गोल्ड फिश दुबई में खाते होंगे मैंने दबाया भाई पहले मैंने किया मून केक है मून पाए मून केक है भाई किसी को नहीं मिलेगा मून पाए से पहले बोला कैसे मून पाए
मून पाए किसी को नहीं मिल रहा, जाओ इन्होंने बोल दिया था तो बाबू सबने कैसे बोला, मैंने क्या छोली कोई नहीं बोला पर मेरा सही था मून पाए छोली तू इसी के अंदर ही टप कर ले मेरा मैं ऐसे कर रही हूं भाई मैंने तो देखा ही नहीं मैं तो अभी देख रही हूं मुझे लगा ये पिक बर्गर है मैंने बताया दीदी मैंने बताया ना तूने पढ़ के बताया नहीं 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 फोर ए भाई क्या मैंने तो भाई पहले मैंने क्या बातें कर दो मैंने क्या भाई मैं बोलूंगी नहीं अब इसमें लिखा होगा जर्ड या कर्म मैं बताऊंगी भाई मैंने दबाया है एक पॉइंट तो मेरा बनता है अब बोल लो लेमन वाटर गलत लेमन वाटर दीदी फोर वन वन जीरो मैं जीरो मैं लगी भाई बहनों ने मुझे बहुत रुलाया आंसू आ गए अब गेट बंद हो चुका है वो हम खुल के आ सकते हैं नहीं आ सकते चलो ना ये मेरी आदत जो है ये 6-7 से लगी है उसमें मैं पहली बार पता नहीं उसी में पूरा तो मैंने उसी में मैं करा अरे पूरा तो साफ कर मैंने रिकॉर्ड ही करा सही चीज़ें रिकॉर्ड नहीं दीदी मेरे चश्मा लगा दिया दिख रहा है आपको ये बहुत कम नंबर का है मेरी आंखों में से काजल लग चुका है कर देते हैं वो करना क्या है मेरे को हंस हंस के रोना आ जाता है कभी कभार और जब मैं ज्यादा हंस जाती हूँ तो गंगा यमुना सब यहीं से बस बह जाती है नहीं जब मैं ज्यादा अरे मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है अब ज्यादा हंस के कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही है नॉर्मल अच्छा नहीं लगा मेरे को मुझे नहीं लगा रिप्लाई कैसी लग रही है नॉट लुकिंग बैड सो फाइनली इतनी बातों के बाद ये डिसाइड हुआ है वैसे तो हम बहुत ज्यादा डीट हो चुके हैं और टाइम हो चुका है कितना टाइम हो गया 2 बजे 2 बनने वाले सिर्फ 6 मिनट बचे हैं मुझे पता है मेरे घर वाले जब ये ब्लॉग देखेंगे कहेंगे तू दो आ तो कुटी हुई थी कोई बात नहीं यार एक दिन तो चलता है और अभी हम 2 गेम और खेलेंगे पहला दमशराज जिसमें मूवी गेस करनी पड़ती है और दूसरा है नेम प्लेस एनिमल थिंग नेम प्लेस एनिमल थिंग का भी कंफर्म नहीं पता कि अल्फाबेट बताते हैं हाँ पता है मेरे को कैसे खेलते हैं तो लेट्स सी वो खेलते हैं नहीं खेलते हैं एंड थर्ड थिंग इज कि अभी तक कोई सोया नहीं है तो इन 2 गेम्स के बीच में तू छींक ले ये तो चपाती का आ गया नहीं भाई तू पहले ही कर ले 2 गेम्स तक जो उठा रहा तो उठा रहा उसके बाद सब ढीठ बन के ना बैठेंगे और सो जाएंगे शांति से बिकॉज कोई नहीं उठ सकता ज्यादा देर तक नहीं ज्यादा देर तक नहीं उठना है सुबह जाना है सुबह भी कुछ प्लान्स वगैरह हैं सबके अपने अपने सो उसे कामयाब रखने के लिए हमें सोना पड़ेगा तो ये 2 गेम्स खेलते हैं जल्दी से दमशराज वगैरह लेट्स गो सो फाइनली हम घर पे आ चुके हैं रात का जो चैलेंज था वो रात के 3 बजे तक चला और 3 बजे के बाद दीदी ने कहा तुम सब बहुत डीटो तो सो जाओ एंड हम सब सो गए थे सुबह 10:30 बजे उठी हूँ मैं और मेरा भाई तो हम पीछे से सीधा डायरेक्ट इधर आ गए थे पीछे ही गए थे हम रात को स्टे करने और सेलिब्रेशन करने अच्छा सा एंड अगर आपको मेरा क्रिसमस का व्लॉग और ये कुछ चैलेंजेस और गेम्स अगर अच्छे लगे होंगे तो नीचे कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा और नीचे लाइक का बटन भी दबा के जाना सब्सक्राइब करें बिना मत जाना एंड अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द एंड स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे और बेल नोटिफिकेशन पे दबा देना तो जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा एंड आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय